नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आजकल पाठ कर रहे हैं पौधों को जानिए। इसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे जड़ की। हम लोगों ने तने की बात कर ली, हमने पत्ती की बात कर ली, आज जो हम बात कर रहे हैं वो है कि जड़, इसका क्या एक पौधे में क्या इसका उपयोग है और ये क्या भाग है जड़ के और क्या प्रकार है, ये सब हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना पाठ खोलते हैं और अपना जो आज का सेशन है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने खोल ली अपनी बुक, वेरी गुड। आज हम लोग देख रहे हैं जड़ के बारे में। तो चलिए एक और हम एक्टिविटी करते हैं और इसमें देखिए ये दो बच्चे हैं और ये दोनों बच्चे ही पौधों को पानी दे रहे हैं। अब आप ये बताइए कि ये जो पानी दे रहे हैं किसका तरीका ठीक है पानी देने का, इस बच्चे का या इस बच्चे का? अगर हम कहें तो ये लड़का ये लड़की, तो किसका, बॉय गर्ल, किसका तरीका ठीक है बताइए। लड़की जिस प्रकार दे रही है पानी वो ज्यादा ठीक है, क्यों, क्या कारण है, सोच सकते हैं? अगर आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं कि ये कि अगर हम मिट्टी में पानी देंगे तो मिट्टी से जड़ पानी संचित कर पाएंगी और तने के द्वारा पूरे जो ये जो पौधे के भाग है इनको जल मिलेगा। यहाँ ये जो बच्चा है ये सीधे पत्तियों को दे रहा है तो बाकी का कैसे जाएगा जल, क्योंकि पत्ती जो है वो है उसका कार्य नहीं है कि वो जल को दूसरे भागों में उसका वितरण करे, है ना, उसका कार्य नहीं है। कार्य किसका है, जड़ों का कार्य है कि वो अवशोषित करती है और तने का कार्य होता है कि उसको ऊपर तक पहुंचाने का। तो इसलिए हम जब भी अगर आप ये गलती करते हैं तो ऐसा नहीं करिएगा। हाँ, थोड़ा बहुत हम उसका जो मिट्टी होती है अपने घर के पौधों से हटाने के लिए हम पत्तियों में पानी देते हैं, लेकिन अगर हमें एक लंबे समय के लिए पानी को एक संचित करना है और एक प्लांट के जो ग्रोथ है उसको एक ठीक रखना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें हमेशा मिट्टी पे पानी देना चाहिए। तो यहाँ तो इसलिए है क्योंकि मिट्टी के में पौधे का कौन सा भाग एक जुड़ा हुआ होता है, वो होता है जड़, और उसी के बारे में हम और आज बात करेंगे और उसके बारे में और जानकारी लेंगे। तो अब एक और क्रियाकलाप है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने दो गमले, कुछ मिट्टी और खुरपी ब्लेड ये सब लिया और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये देखिए एक गमले में तो हमने जड़ के साथ पौधे को लगाया, एक गमले में हमने जड़ काट दी और ये समझ लिया उसका तना ही लगा दिया, ठीक है, और इसको दोनों को नियमित रूप से जल दिया। देखिए ऐसा नहीं है हमने जल नहीं दिया, हमने जल दिया क्योंकि हम ये कहते हैं तना जल को वो पौधों के विभिन्न भागों तक लेकर जाता है, तो हमने जो दोनों गमलों में जल दिया। थोड़े दिनों बाद क्या होगा, अगर आप पौधों को देखेंगे एक सप्ताह बाद क्या आपको लगेगा, क्या दोनों पौधे पूरे स्वस्थ होंगे बताइए आप? हमने दोनों को जल दिया तो दोनों स्वस्थ होंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम देखेंगे कि जिसमें जड़ थी वो तो पौधा पनप गया, लेकिन जिसमें जड़ नहीं थी वो पौधा हमें हो सकता है वो बिल्कुल उसका जो जितना भी भाग लगा हुआ था पत्तियां थी वो सूख जाएं, या हमें जितनी अच्छी हालत में जो हमें एक गमले का पौधा मिला था उतनी अच्छी हालत में हमें बीका नहीं मिलेगा, कुछ पत्तियां सूखी होंगी या मुरझाया हुआ होगा, कुछ उसमें परेशानी होगी जरूर। इसका अर्थ क्या हुआ कि तना का जो है वो तना मिट्टी से सीधे पानी नहीं लेता है, लेकिन जल लेकर तो ऊपर जाता है लेकिन सीधे मिट्टी से नहीं ले सकता, उसके साथ उसको वो किसी और से अवशोषण करता है जल का,
और फिर जल का वितरण करता है। इसका अर्थ है कि जो जड़ें हैं ये कार्य करती हैं मिट्टी से जल को अवशोषित करने का। तो ये हमें एक ये जो क्रियाकलाप कर रहा इससे हमें ये चीज एक समझ में आ गई। तो अब जो हम आगे देख रहे हैं इसमें हम एक और क्रियाकलाप कर रहे हैं और जड़ के और क्या कार्य हैं उनके बारे में और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब दूसरा जो हम देख रहे हैं हमने क्या करा, एक जो मक्का है और चने के बीज इनको हम क्या एक रुई लेते हैं, रुई में रखते हैं और थोड़े समय के लिए उसमें हल्का सा पानी डाल के उनको उन बीजों को थोड़े समय के लिए रखते हैं। फिर हम थोड़े टाइम बाद जब हम वो उसमें हम देखते हैं कि उसमें से कुछ छोटे छोटे से कुछ हमें उभार दे आते हुए दिखाई देते हैं, है ना। ये आप अंकुरित जैसे करते हैं तो ये बहुत अच्छा एक ऐसा क्रियाकलाप है जो आप बड़े आराम से घर पर भी कर सकते हैं मक्के और चने का, लेकिन रुई में रखें क्योंकि हमें इससे एक चीज समझनी है कि रुई में क्यों रख रहे हैं। वैसे तो हम ये अपने कटोरे में वो इसको जो ये स्प्राउट करके इसको अंकुरित करके हम खाने के उपयोग में भी लाते हैं, लेकिन इसमें हम जो चीज समझाना चाह रहे हैं रुई के साथ वो आप समझिए और उसके बाद यह जरूर करिएगा अपने घरों में और फिर बताइएगा कि जो हम आपको बता रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो अब हमने रुई में रखा, थोड़े दिनों बाद जब इसमें ये अंकुरित हो गए आप इसको रुई से निकालने की कोशिश करिए, क्या एकदम निकल आएगा? नहीं, वो एकदम नहीं निकल आता है, उसमें हमें बहुत प्रयास करना होता है तब हम ये जो है ये जो इसका अंकुरित पार्ट है ये निकालने में हमें थोड़ी कठिनाई होती है और थोड़ी मुश्किल से वो बाहर निकलता है। तो ये जो अंकुरित भाग होता है ये क्या होता है, सबसे पहले आप देखेंगे बीज में जब एक सफेद सा निकलना शुरू होता है तो सबसे पहले उसका वो जड़ का पार्ट निकलता है और फिर अगर आप अंकुरित का देखेंगे फिर जब आगे वो उसका होगा वो एक उसका शूट का एक तने का पार्ट निकलेगा, लेकिन जब हम सबसे पहले अंकुरित की बात कर रहे हैं तो उसमें से सबसे पहले जड़ का पार्ट निकलता है। तो ये देखा कि जड़ ना जिस चीज में होती है उसमें वो उसको बांध देती है। तो और यही काम होता है कि हम जब भी कोई पौधा होता है जमीन से उसको निकालना इतना आसान नहीं होता है, हम उसको अगर ऐसे ही खींचकर निकालना चाहिए उसको ऐसे बिल्कुल जमीन में अच्छी तरीके से और उसको खींच के निकालना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। हमें अगर वो पौधा निकालना है तो हमें मिट्टी खोदनी होती है और तब हम उस पौधे को निकाल पाते हैं। उसका कारण क्या है, क्योंकि जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी के साथ एक मजबूती से उसमें जकड़ी हुई होती है। तो यहाँ देखिए यही लिखा है उन्होंने कि मिट्टी हमें मिट्टी खोद कर निकालना पड़ता है किसी पौधे को, और वो इसलिए होता है क्योंकि जड़, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको मार्क करिए, जड़ पौधे को मिट्टी में मजबूती से जकड़े रखती है, इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थिरक कहा जाता है। तो ये एक तभी कोई पौधा इतना एक कहे चाहे कितने मौसम बिगड़े कुछ हो वो जमा रहता है क्योंकि वो एक सपोर्ट देती है। और ये हमें तब समझ में आया जब हमने रुई में देखा, अगर उनमें ऐसे वो जकड़ने की क्षमता नहीं होती तो रुई अलग रहती और वो जो आपके जो अंकुरित जो निकले हैं अंकुरण जो निकले हैं वो अलग रहते और आप बाहर आराम से निकाल। तो हमने ये क्रियाकलाप से ये चीज और देखी, एक क्रियाकलाप से देखा कि जड़े जो जल है उसका अवशोषण करती हैं और दूसरे क्रियाकलाप में हमने ये देखा कि ये एक स्थिरक का काम करती हैं, ये किसी पौधे को एक मजबूती को भी देती हैं। तो आपने क्या देखा कि तने एवं जो पत्तियां हैं वो हमने जो अभी देखी थी वो विभिन्न प्रकार की देखी थी कि तना वो मुलायम भी होता है हाथ से भी तोड़ सकते हैं, वो मोटा भी होता है। पत्तियों में भी हमने देखा कि उसमें
उसका विन्यास अलग अलग होता है, शिरा विन्यास अलग अलग होता है। तो हमने तने और जो पत्तियां थी इसमें हमने विभिन्नता देखी। तो क्या सोचते हैं कि जड़ें एक ही प्रकार की होती हैं या जड़ों में भी कुछ प्रकार होते हैं? इनको समझने के लिए अब हम लोग एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उसमें देखिए, अभी मैं आपको पहले पिक्चर दिखाती हूँ, ये देखिए, ये आपका मकई का है और ये चने का। अब इसमें से जड़ें निकली हैं, मैंने आपको यही बताया था कि सबसे पहले ये जड़ का भाग निकलता है, ये देखिए, और फिर आगे जाके ये इससे आपका तना बनता है यहाँ पे। तो जड़ का जो भाग निकलता है तो वो हमेशा नीचे की तरफ जाता है, क्योंकि उसको जमीन में जाना होता है, और तना ऊपर की तरफ जाता है क्योंकि उसको जो मिट्टी है उसके ऊपर जाना होता है। अब आप ये चलिए, ये तो एक हमारा बात हो गई, लेकिन सबसे पहले अब आप इस बात पे ध्यान दीजिए, ये दो में फर्क दिखाई दे रहा है या नहीं है? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जड़े भी हमें दो प्रकार की मिलती हैं, और इसके लिए आपका, तो यहाँ पे ये मार्क कर लीजिए, जड़े दो प्रकार की होती। अब इनके कौन से प्रकार है इनको हम देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या देखते हैं कि, तो ये जो दो प्रकार की जड़ें होती हैं इनके नाम नोट कर लीजिए, मूसला जड़, और ये होता है, दूसरी होती है रेशेदार जड़। तो यहाँ पे देखिए, ये जो जड़ है ये है मूसला और ये है रेशेदार। और मूसला क्या क्या होता है, मूसला के जड़ के इसकी थोड़ी साइड की जड़ें और निकलती है जिन्हें कहते हैं पार्श्व जड़। और रेशेदार जड़ का दूसरा एक और नाम है, वो है झकड़ा जड़, झकड़ा जड़, ठीक है। और ये जो यहाँ देखिए, ये है मूसला और ये है झकड़ा। अब ये हमने चने के पौधे का देख रहे हैं और ये मकई का देख रहे हैं, समझ में आए? तो ये हमें दो प्रकार की जड़ें मिलती हैं, और ये जो मूसला जड़ है, तो जो हमने पार्श जड़ का नाम लिया था, तो देखिए ये जो साइड में निकल रहे हैं ये पार्श जड़ है, समझ में आया आपको? अब हमारे सामने एक बहुत बड़ा या एक प्रश्न आ रहा है कि ये जो, अगर हमें, ये तो जड़े जो हैं ये तो जमीन के अंदर है, हम बाहर से पौधे को देखकर पहचान सकते हैं कि इसमें जड़ किस प्रकार की होगी, ये ऐसा है, और ये संभव है या नहीं है? अगर मैं बताऊं, ये संभव है, और ये संभव कैसे है इसको अब हम समझते हैं। ये हमें, जब हम पत्तियों को देखते हैं उससे हमें पता चल जाता है कि ये जड़ गए आपकी किस प्रकार की होगी, वो रेशेदार होगी, सॉरी, तो पत्तियों को देखकर हमको पता चल जाता है कि वो मूसला जड़ होगी या रेशेदार जड़ होगी। तो यहां देखिए, हमने ये पत्ती में कैसा देखा था, शिरा विन्यास वो कैसा था, और इसमें कैसा था, जो दूसरी पत्ती देखी थी, तो एक में हमें जाल मिल रहा था और एक में हमें जो था वो पैरलर था, समांतर था। तो अब इससे हमें पहचान हो गई कि जहां पे हमें समांतर मिलेगा वहां पे शिरा विन्यास वो होंगी आपकी रेशेदार जड़, और जहां हमें एक जाल वाला मिलेगा उसमें हमें मिलेगी मूसला जड़। तो ये एक बहुत बड़ी पहचान है, और ये जब जब हमने देखा ये चीज हमें पता चली है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपको सारणी दे रखी है कि पौधे का नाम लिखें, उसका शिरा विन्यास का प्रकार लिखें और जड़ का प्रकार।
तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपका शिराविन्यास ऐसा है तो उसकी जड़ कैसी होगी, कि तो इसमें आपको ये एक बहुत ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैं अभी आपको चार्ट में दिखाऊंगी और ये आप तब चार्ट इसको नोट कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको वो चार्ट दिखा रही हूँ। तो बच्चों ये आप नोट कर लीजिए, ऐसे ही अपने इसी टाइप से अगर आप एरो बना के करेंगे आपको जल्दी याद होगा। जड़ दो प्रकार की है, मूसला जड़, रेशेदार जड़। और ये मूसला जड़ में देखिए ये होते हैं पाश जड़, ये मैंने एरो से आपको दिखाया। अब हम लोग आगे जो पार्ट की बात कर रहे थे कि ये जो जड़ में हम पत्तियों से कैसे पहचान सकते हैं जड़ों का, तो ये हमने पौधे का नाम दिया मक्का, और इसका शिरा विन्यास है समांतर, और इसमें मिलेगी रेशेदार जड़। फिर हमने चना दूसरे पौधे का नाम दिया, इसका शिरा विन्यास जालिका रूप में है, और इसकी जो जड़ प्रकार है वो मूसला जड़। तो समझ में आ गया ना आपको, जहां समांतर होगी वहां रेशेदार होगी, जहां जालिका होगी वहां मूसला होगी। ये आप थोड़ा समझ लें, और याद अगर याद करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसको थोड़ा सा एक उसके अगर वो वाला जैसे शिरा विन्यास बना के उसका जड़ बनाएंगे तो आपके दिमाग में एकदम बैठे, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये मैं जो आपके बुक में था वो चार्ट का आंसर यहाँ दिखा, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम वापस बुक खोलते हैं और थोड़ा सा आगे और देखते। तो बच्चों अब तक हम लोगों ने जो देखा है वो ये देखा है, जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं, तथा ये जो तना होता है ये जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। और फिर पत्तियों का जो हमने देखा वो है, पत्तियां भोजन संश्लेषित करती हैं, और ये भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों को संग्रहित हो जाता है। ठीक है, तो और इस कारण क्या होता है, कुछ जड़ें जैसे हमने गाजर मूली शकरकंदी इनका जो लिया है उदाहरण, यहाँ पर जो पत्तियां जो भोजन बनाती हैं वो यहाँ जड़ों में जाके संचय हो जाता है, और वो हम अपने खाद्य पदार्थ के रूप में लेते हैं। तो अब जो एक सबसे बड़ी एक जो बात आ रही है वो आपका ये बहुत बढ़िया इसमें आपके इस पिक्चर में उन्होंने कहा है कि आप ये बताएं कि हमें ये समझ में आ गया है कि तना जो है वो अब दो तरफा मार्ग करता है, वो उसका मार्ग कैसे चलता है, तो तने के दो तरफा मार्ग कैसे चलते हैं इसको अब हम थोड़ा सा समझाते हैं। देखिए जब जड़ों ने से ने जल लिया और खनिज लवण मिट्टी से लिए वो तने के पास गए, और तने से वो फिर पौधे के विभिन्न भाग में चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब हमने देखा कि जड़ों में भी भोजन का संचय हो जाता है और जिसको हम खाद्य पदार्थ में लेते हैं, और भोजन बनता है पत्तियों में, तो पत्तियों से फिर क्या होता है जो ये तने के सहारे ये फिर नीचे जाता है, और यहाँ पे जड़ों में वो भोजन जाता है और संचय हो जाता है, और जो जड़ों में भोजन बहुत ज्यादा संचय हो जाता है जो पत्तियां बनाती हैं वो हमारे खाद्य पदार्थ के रूप में आ जाता है। तो आपसे आप इस टाइप से एक ऊपर एरो करके सारे आप दिखा सकते हैं कहाँ कहाँ जल जा रहा है, खनिज लवण जा रहे हैं, और पत्तियों से फिर आप नीचे डायरेक्शन लाते हुए दिखा सकते हैं कि वो जड़ों में भोजन जो पत्तियां बनाती हैं वो जाता है। तो ये आज हमने देखा जड़ों के बारे में, अगले सेशन में हम बात करेंगे पुष्प के बारे में। तो बच्चों ये सेशन एंड करने से पहले हम जड़ तना तथा पत्ती के कार्य के एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं, तो ये जो अभी पॉइंट्स मैं बता रही थी ये आप नोट कर सकते हैं। तना तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है, और पत्तियां भोजन संश्लेषित करती हैं, यह भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। तो
जो मैंने अभी लास्ट में मैं पॉइंट्स बोल रही थी वो आप ये नोट्स के रूप में आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। और जड़ खाद्य पदार्थ के रूप में कौन कौन सी है, गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम आदि। तो ये सारे मैं जो आपको पॉइंट्स दे रही हूँ इन पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कौन से जड़ हम खाद्य पदार्थ के रूप में लेते हैं, तो उसके उदाहरण है। तो आज हम लोगों ने देखी जो पढ़ा उसके मैंने थोड़े आपको नोट्स भी दिखाए, वो आप जैसा बताती हूँ वीडियो पॉज करके आप उनको नोट कर सकते हैं। और आज हमने देखा कि जड़ों के कार्य देखे, और उसके साथ हमने ये भी देखा कि कैसे हम पत्तियों से पहचान सकते हैं किस प्रकार की जड़। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग पार्ट है या नहीं है। तो चलिए अगले सेशन में पुष्प के बारे में बात करेंगे। तो जितना पढ़ रहे हैं याद करते जाएं, मिलते हैं अगले सेशन में, बाय।